मैं तैयार हो गया हूँ क्लास लेने जा रहा हूँ। हमारे ना यहाँ क्लासेस की ना रूटीन बहुत ही अजीब है कि ना पंजाबी की आपने देसी कहावत सुनी होनी है, एक टेलर रखें एक ही बारबर रखें, हर चीज़ में ना चेंजिंग ना लाएं, एक ही चीज़ रखेंगे ना वो आपको एक लेवल मिलेगा। आज ना कॉफ़ी पीने का काफ़ी दिल कर रहा था तो ये सामने डा स्टारबक्स क्लासेस वगैरह लेके अभी भी फ्री हुए हैं। आज की जो हमारी इफ्तारी थी हमारा एक दोस्त है अहद उसकी तरफ थी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरी वाफियत में होंगे, मज़े में होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी मेरी YouTube फैमिली है उन सबको मेरी तरफ़ से गेन रमज़ान मुबारक। उम्मीद करता हूँ ये रमज़ान आप सब के लिए और मेरे लिए खुशियों भरा रमज़ान साबित हो। चलें फिर आपको बताते हैं आज एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल होता है सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना, क्लासेस लेना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, सैरी करना, अफ्तार करना और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक साथ मैनेज करना। यूनी अलोन ही करती है रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। यहाँ डिफरेंट कम्यूनिटीज़ के लोग होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली और भी काफ़ी ज़्यादा कम्यूनिटीज़ के लोग हैं। इस वजह से यूनी अलोन ही करती है, अगर वो हमें अलो कर देंगे वो फिर सारे मिल के कहेंगे हमने भी करनी है रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म। तो ये सीन्स हैं। बाकी आप रूम्स वगैरह में, लॉन्ड्री वगैरह में नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। यहाँ जो सैरी का टाइम है 1:30 बजे से लेके 3:15, 3:20 भी जाके जल्दी जल्दी सैरी की तैयारी वगैरह करते हैं। मेरा ना आज प्लान था शनवारी बनाने का, लेकिन ये देखिए आप शनवारी नहीं बन पाई, पता नहीं ये क्या बन गया। चलें फिर कढ़ाई कैसे नाम दे लेते हैं। बाकी हमारी टॉपिंग वगैरह पड़ी हुई है तो ये लोग रोटियां वगैरह बना रहे हैं। अब तक कितनी देर है रोटियों में? 10 मिनट्स। ये हमारी ज़बरदस्त सैरी तैयार हो चुकी है। सैरी में हमने ये कढ़ाई बनाई है, साथ ये देसी रोटियाँ, उसके बाद ये लस्सी आ जाती है, साथ ये देसी अचार है, उसके बाद ये डेट्स वगैरह हैं, बाकी ये हमने स्वीट में रसमलाई बनाई है। तो अभी जल्दी जल्दी सैरी करते हैं, टाइम 1 घंटा भरा हुआ है, फिर आपको अपडेट करते हैं। रोटी छोटी टेस्ट करते हैं। नजर आए तो है जो निजाम हस्ती चला स्वीट में ना हमने यार रसमलाई बनाई है, अभी रसमलाई टेस्ट करते हैं। मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह यार हमारी सैरी वगैरह डन हो चुकी है, अभी फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, वज़ू वगैरह मैंने कर लिया। अच्छा यार नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली है, तो सुबह हमारी ना 8 बजे क्लास है, अभी थोड़ा सा ना रेस्ट वगैरह कर लेते हैं तो फिर आपको सुबह मिलते हैं। अभी यार मैं तैयार हो गया हूँ क्लास लेने जा रहा हूँ। हमारे ना यहाँ क्लासेस की ना रूटीन बहुत ही अजीब है, सुबह 8 बजे कभी क्लास हो जाती है, कभी 10 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 3:20 पे, तो कभी 6 बजे भी क्लास हो जाती है, तो वो फिर हमें लेनी पड़ती है, मजबूरी है अगर क्लास ना लें। आजकल यूनिवर्सिटी ने वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की है। चलो यार खैर क्लासेस वगैरह लेके अभी भी फ्री हुए हैं। आज की जो हमारी अफ्तारी थी हमारा एक दोस्त है अहद उसकी तरफ थी, तो वो अफ्तारी करने हम जा रहे हैं।
तो फिर अफ्तारी वगैरह करते हैं, तो फिर आपको अपडेट करते हैं। तारी में ना साथ हमने ये एक स्पैगेटी बनाई है, तो अभी स्पैगेटी ट्राई करते हैं। मज़ा आया। चलो यार, शुक्र है हमारी अफ्तारी वगैरह डन हो चुकी है। माशाल्लाह आज की अफ्तारी बहुत ही ज़बरदस्त थी, शुक्रिया हद अफ्तारी के लिए। बाकी ना कल हमारी यहाँ ईद है, तो कटिंग वगैरह नहीं थी मेरी खास हुई, तो आज मैं कटिंग करवाने आया था। ये वांडा में ना साथ ये एक सलोन है डी वाई स्टाइल, आगे भी ना इधर से मैं कटिंग वगैरह करवाता हूँ। एक ना पंजाबी की आपने देसी कहावत सुनी होनी है, एक टेलर रखें एक ही बार बार रखें, हर चीज़ में ना चेंजिंग ना लाएं, एक ही चीज़ रखेंगे ना वो आपको एक लेवल मिलेगा। ये नहीं बार बार कभी आप किसी और टेलर से कपड़े स्टिच करवा रहे हैं, किसी बार बार से बार बार चेंज करेंगे ना, वो फिर आपको ना एक टेस्ट नहीं आएगा। तो चलो खैर, इधर से कटिंग वगैरह करवाते हैं, तो फिर आपको अपडेट वगैरह मारते हैं। चलो यार, शुक्र है मेरा कटिंग वाला काम डन हो चुका है। तो जब का ना रमज़ान स्टार्ट हुआ, इतना खास मैं बाहर नहीं निकला है, तो आज एक मंथ बाद ही मैं बाहर आया हूँ। तो आज ना कॉफ़ी पीने का काफ़ी दिल कर रहा था, तो ये सामने डा स्टारबक्स, इधर से कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। वैसे भी आपको पता है सिंगल बंदों की एक ही ऑप्शन होती है, वो कॉफ़ी होती है, वो पहले भी पता है। तो अभी इधर से ऑर्डर वगैरह देते हैं। अनहेज़लनट लाटे हॉट लार्ज, ये मेरी ज़बरदस्त कॉफ़ी आ चुकी है, अभी कॉफ़ी पीते हैं। मज़ा आया। शुक्र है मैं खैर खैरियत से अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं। तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।